नमस्कार, डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी, प्रस्तुत है समाचार। और नागपुर से हमारे संवाददाता सतीश कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। श्रीराम टेलीकॉम को सील करते बैंक अधिकारी। नागपुर राज्य ग्रामीण बैंक शाखा बुका के द्वारा मेस श्रीराम टेलीकॉम को सील किया गया। झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर मुकेश वर्मा ने बताया कि श्रीराम टेलीकॉम प्रोप्राइटर संतोष कुमार के ऊपर 10,85,490 रुपए झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक का ऋण है। श्रीराम टेलीकॉम को 1 अप्रैल 2021 को नोटिस दिया गया था कि 60 दिनों के अंदर पैसा जमा करने के लिए, अगर 60 दिन के अंदर पैसा नहीं जमा करते हैं तो दुकान को सील कर दिया जाएगा। श्रीराम टेलीकॉम के प्रोप्राइटर संतोष कुमार के द्वारा ऋण के पैसा जमा नहीं की गई तब झारखंड सरकार ग्रामीण बैंक सेक्शन 13(4) के तहत सील किया गया। फिर 30 दिन का नोटिस दिया जा रहा है, अगर इस बीच पैसा जमा नहीं करते हैं तो दुकान खोलकर नीलामी की जाएगी। इस मौके पर झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक बुका के शाखा प्रबंधक रंजीत कुमार, एएसआई सत्येंद्र कुमार उपाध्याय सहित पुलिस के जवान मौजूद थे। बैंक के कार्रवाई का दुकानदार ने किया विरोध। श्रीराम टेलीकॉम के प्रोप्राइटर संतोष कुमार ने बैंक के अधिकारियों के कार्रवाई का विरोध किया। संतोष कुमार ने कहा कि बैंक के द्वारा मेरे साथ गलत किया गया है, मुझे कोई भी नोटिस नहीं दी गई है, सील करने से पहले कोई भी सूचना दी गई है। उन्होंने न्याय के लिए कोर्ट जाने की बात कही। सनमार्ग पेपर, सनमार्ग शुक्ला जी, झारखंड ग्रामीण बैंक की बुका शाखा भवनाथपुर से इनको लोन दिया गया था और लोन की चुकौती नहीं कर रहे थे। सरफेसी एक्ट की धारा 13(2) के तहत इनको 60 दिन का नोटिस दिया गया था कि 60 दिन के अंदर बैंक के सारे पैसे चुकाइए और अगर आप नहीं चुकाएंगे तो बैंक की संपत्ति अपने कब्जे में लेगी और नीलाम करके पैसा वसूलेगी। तो आज इसके तहत इनकी संपत्ति हम लोगों ने सील की है और सील करने के बाद इनको एक नोटिस लेकर के फिर एक नोटिस दी जाएगी इनको और 30 डेज का उस नोटिस के बाद हम लोग इसको नीलामी की प्रक्रिया में लाएंगे, स्टॉक खोलेंगे, नीलाम करते हैं। अगर इस बीच में ये पैसा जमा करके खाता बंद कर सकते हैं तो बंद कर लें, इनको अवसर देंगे। बैंक का टोटल डिमांड 10,85,000 था जिस दिन नोटिस जारी किया गया था। ये नोटिस जारी किया गया था इनको, तारीख बताइए, 1 अप्रैल 2021 को नोटिस जारी किया गया था।